तो ये बस गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस मैं ना पहले देख रहा आप देख रहे आर्टिस्ट भी है। आज की इस न्यू वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ Z6 जो कि निकोन का Z6 काफ़ी अच्छा ब्रांड न्यू कंडीशन में अभी फिलहाल के टाइम पे बहुत ही ट्रेंड पे चल रहा है हमारा ये Z6 कैमरा। काफ़ी अच्छा फोटो की क्वालिटी में ले लो, वीडियो क्वालिटी में देख लो, बहुत ही गजब का कैमरा चल रहा है फिलहाल के टाइम पे। आप वीडियो में भी यूज़ कर सकते हो हाईलाइट करने के लिए वगैरह, रेगुलर के लिए फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा कैमरा चल रहा है फिलहाल के टाइम पे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ कि स्लो मोशन एंड वीडियो के कुछ सेटिंग्स जिससे कि आप हमारे अपनी वीडियोस को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हाई क्वालिटी में सेव कैसे करना है एंड स्लो मोशन में काफ़ी अच्छा ये शूट कैसे कर सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी वेट के। एंड वीडियो हमारा पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तो यही से स्टार्ट करते हैं बिना किसी वेट के वीडियो को। चलिए गाइस फिलहाल के टाइम पे आप देख सकते हो ये हमारा Z6 कैमरा है, इसके ऊपर हमने रेडियम करा रखा है, काफ़ी अच्छा कैमरा है। और इसके ऊपर जो लेंस है फिलहाल के टाइम पे 24-70 लेंस है, काफ़ी अच्छा लेंस है ये भी, जो कि हमें काफ़ी अच्छा ब्लर बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है वीडियो फोटो एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और सबसे पहले तो इसका लॉक के बारे में बता दूँ कि जब तक आप इसके लेंस को यहाँ से लॉक से नहीं हटाओगे ये वर्क नहीं करेगा गाइस। एंड इसका स्टेबलाइजर है काफ़ी अच्छा, जो स्टेबलाइजर है वीडियो ज़्यादा हिलेगा भी नहीं और काफ़ी अच्छा है। वीडियो मोड पे सबसे पहले आपको बता दूँ यहाँ पर ये इसकी जो पूरी डिस्प्ले है उस पर हमें टचेबल स्क्रीन मिल जाती है एंड काफ़ी अच्छी स्क्रीन है। एंड इसका अपर्चर है जो मैक्सिमम हम माइनस करेंगे तो सबसे कम से कम हमको मिल जाएगा ये -4 के ऊपर। एंड शटर स्पीड को बढ़ाने पर हम शटर स्पीड बढ़ाकर देख लेते हैं, शटर स्पीड आप चाहो जितने बढ़ाकर देख सकते हो, बट हम फिलहाल के टाइम पर वीडियो मोड के अंदर हम मैक्सिमम 100 रखनी है, 100-125 ये रख सकते हैं। एंड मैक्सिमम अपर्चर होगा वो हमें 6 रख देना है जिससे अच्छी क्वालिटी में हमारा वीडियो शूट हो जाए। एंड ISO का जो ऑप्शन है उसके अंदर हम ISO देख लेते हैं एक बार, ISO हम कितना बढ़ा सकते हैं। ISO के ऊपर टैप करना है डायरेक्टली यहाँ से बढ़ाना है, और ISO के ऊपर टैप करने के बाद ये जो ग्रिप है यहाँ से इसको आगे बढ़ाना है। लास्ट हम देखते हैं ISO इसका कितना है, घुमा देते हैं। तो गाइज ये मतलब कि यहाँ से इसका ISO हम मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं 51,000 के आसपास। एंड इसको माइनस करते हैं, फिलहाल बहुत ही वाइट हो गया है। अगर हमारे पास लाइट परफेक्ट नहीं है, अगर हम बाई चांस हमारी लाइट किसी कोई वजह की वजह से मिसिंग है तो हम बिना लाइट के भी इसको यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा गाइज। एंड अभी फ़िलहाल के टाइम पे हमने वीडियो का ISO अपर्चर एंड वीडियो की कुछ सेटिंग्स के बारे में बताई दिया। एंड कलर टोन हमें यहाँ पर कलर टोन के अंदर हमें मैनुअल में चला जाना है। और सबसे पहले तो इसका जो एरिया मोड सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हमें ऑटो एरिया फिलहाल यहाँ पर रखा हुआ है तो हमें इसको ऑटो हटाकर, अगर सब्जेक्ट सिंगल पॉइंट पर हम क्लिक करना चाहते हैं, सिंगल है कोई मतलब कि सिंगल सब्जेक्ट है एंड बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो सिंगल शॉट के ऊपर रखना है। काफ़ी अच्छा अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो यूट्यूब वीडियो तो सिंगल पॉइंट AF पे रखना है, यहाँ से ओके कर देना है। एंड उसके बाद में हमारे जो यहाँ पर इसकी क्वालिटी है, क्वालिटी में हाई क्वालिटी रखना है, यहाँ पर नॉर्मल भी बता रही है बट हाई करनी है। एंड उसके बाद में हमें फिर से यहाँ पर जाना है एंड FX के अंदर हम DX और FX में FX रखना है यहाँ से। एंड वाईफाई फ़िलहाल हम ऑफ करते हैं। एंड यहाँ से कलर टोन जो है, कलर टोन हम यहाँ पर इसके अंदर जाने के बाद एडजस्ट, वन सेकेंड गाइस, यहाँ पर एडजस्ट ऑप्शन मिलता है वहाँ से हम बड़ा घटा सकते हैं, बट यहाँ पर फिलहाल मैंने 4,550 के समथिंग रखी है। एंड बाकी यहाँ से आप दूसरे मोड पर और भी कर सकते हो बट कलर टोन पर ही जाना है। एंड यहाँ से अपने वॉइस को भी आप ऐड कर सकते हो, देख सकते हो किस टाइप से अपनी वॉइस को यहाँ पर ऐड करना है। एंड दूसरी जो सेटिंग्स है अदर इसकी सेटिंग, तो आप मेन्यू में जाकर आप चेक कर सकते हो, जैसे कि रीसेट मूवी सेटिंग पे जाकर आप इसकी रीसेट सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो फाइल नेमिंग या चूज इमेज एरिया कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हमने पहले कर दिया है ऑलरेडी। फाइल नेमिंग DSC से स्टार्ट होगा, चूज इमेज एरिया यहाँ पर FX कर रखा हुआ एंड इमेज सॉरी गाइज फ्रेम रेट साइज हम यहाँ पर जाना है और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको नॉर्मल वीडियो शूट करना है तो यहाँ पर आप इसकी जो भी कुछ 3840 पे देख सकते हो, 100px पर आप क्लिक कर सकते हैं। एंड स्लो मोशन करना है तो आपको स्लो मोशन के अंदर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, तीनों के अंदर आपको मैक्सिमम मेरे हिसाब से आप स्लो मोशन कर सकते हो 1920x1080 पे, एंड 3px से स्टार्ट होगी स्लो मोशन, काफ़ी अच्छी वीडियो शूट होगी। एंड इसके अंदर वीडियो के अंदर और भी कई सारे मोड मिल जाते हैं, मूवी क्वालिटी हाई रखनी है, मूवी फाइल टाइप यहाँ पर मूवी MP4 भी कर सकते हो, मूवी करना है यहाँ पर, ISO सेंसिटिविटी सेटिंग यहाँ पर जो है जो रखनी है वाइट बैलेंस को केल्विन पर रखना है। एंड उसके बाद में सेट पिक्चर कंट्रोल को SD पर रखना है एंड मैनेज पिक्चर कंट्रोल और कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बट यहाँ से फिलहाल हमें दूसरा ऑन नहीं करना है। एंड विंगनेट आप कंट्रोल कर सकते हो, विंगनेट को अगर ऐड करोगे तो हाई करोगे तो ब्लैक डार्कनेस ज़्यादा मिलेगी वीडियो फोटो के अंदर, ऑन नहीं करना है, इसको ऑफ करना है।
एंड ऊपर आपको डिलीट फॉर्मेट एंड इमेज एरिया और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बट जो स्लो मोशन का ऑप्शन था वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया है कि किस पे जाना है। वीडियो के ऊपर जाना है, वीडियो मोड होगा उसके ऊपर जाना है, और यहाँ से आपको जो इस सेटिंग है उसके ऊपर फ्रेम रेट साइज मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इसको अपनी फ्रेम रेट को आप चेंज करके स्लो मोशन भी कर सकते हो, और स्लो मोशन से हटाकर आप अपनी सेटिंग को यहाँ से और भी अदरवाइज और भी मूवी के कई सारे इसमें ऑप्शन है जो आप देख सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छे मोड इसमें दे रखे गाइस। तो गाइस फिलहाल के टाइम पे देख सकते हो ये रहते हैं, यानी ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है कैन 70D के अंदर, और जो ये वीडियो है जो हमारे Z6 के अंदर शूट हो रही है इसकी, एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी है जो हम अगर हम नॉर्मल वीडियो शूट के अंदर करें 1080 के ऊपर हाई क्वालिटी के अंदर, एंड स्लो मोशन का आपको दिखाता हूँ कि स्लो मोशन के अंदर कैसे शूट होगी वीडियो हमारी। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो यही से एंड करते हैं। ये हमारे Z6 का वीडियो था, जो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना एंड चैनल को शेयर जरूर करना। गाइस काफ़ी डे हो गए हमने वीडियोज़ अपलोड नहीं की, बट अभी हम रेगुलर आ चुके हैं फिर से, एंड वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक जरूर करना एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर देना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और कोई भी कैमरे से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो गाइस।